हेलो गाइस, आई एम सुमित। वेलकम बैक टू एस सी मोटर। तो कैसे हो आप सब? तो भाई लेटेस्ट चीज़ लेके आए हैं आपके लिए। तो देख सकते हो TVS इंटोर्क, तो ये XP एडिशन है जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ था। इसमें कलर चेंजेस करे गए हैं और थोड़े बहुत पावर वगैरह के चेंजेस करे गए हैं, तो आपको दिख रहा होगा। तो सब कुछ बताएं क्या कुछ चेंजेस करे गए हैं इस स्कूटर के अंदर। तो देख लो भाई, ऐसा कुछ आपको लुक देखने को मिल जाता है फ्रंट में, काफ़ी बढ़िया लुक देखने को मिलता है। एक हनी बी जैसा लुक मिल रहा है इसका देखने को। यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड स्मार्ट X कनेक्टिविटी भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, जो आप मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन से। वो आपको मीटर पर चलेंगे जब बताएंगे। यहाँ पे आपको TVS की बैचिंग देखने को मिल जाएगी क्रोम में, काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। एंड फ्रंट में आपको मिलेगा ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन दे सकते हो। और यहाँ पे आपको स्टिकरिंग मिलेगी जो कि इंटीरियर की मिल जाती है आपको। और यहाँ पे आपको जो फ्लैग होता है, एक छोटा सा रेसिंग फ्लैग बोलते हैं इसको, तो ये सिल्वर कलर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफ़ी सही लग रहा है। लाइट दिखा देता हूँ, ऑन कर देता हूँ एक बार इसकी लाइट। तो यहाँ पे इसकी कुछ ऐसे की लग जाती है यहाँ पे भाई, तो यहाँ से हम इसमें डालेंगे तो इसके जो DRLs हैं वो ऑन हो जाते हैं। तो भाई काफ़ी एक बढ़िया बेहतरीन लुक आ रहा है इसका। एंड यहाँ पे देखोगे ना, थोड़े विंगलेट्स दिए गए हैं भाई पहले ही, काफ़ी एक बढ़िया लग रहा है ये चीज़ें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भाई काफ़ी सही लुक दे देती हैं स्कूटर्स में। तो काफ़ी बढ़िया स्पोर्टी स्कूटर बनाया गया है ये। फ्रंट में इसका मडगार्ड देखोगे, यहाँ पे आपको मैट ब्लैक एंड ये जो मैट सिल्वर का टच आपको इसमें देखने को मिलता है। तो मेन फीचर इसका ये है भाई, आपको यहाँ पे रेड एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और जो स्टिकरिंग है इसकी वो न्यू देखने को मिल जाएगी आपको इसमें। तो यहाँ पे देखो 125 रेसिंग XP की आपको यहाँ पे बैचिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इसका स्टिकर है मतलब एक तरह का। एंड यहाँ पे देखो ये फेक कार्बन आइप को इसमें दिया गया, काफ़ी जगह इसके टच दिए गए। यहाँ देखोगे यहाँ पे भी आपको दिया गया, यहाँ पे TVS रेसिंग लिखी गई है। तो यहाँ पे देखोगे फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है भाई, डिस्क काफ़ी ज़रूरी है। एंड एलॉय देखोगे आप इसके, काफ़ी यूनिक एंड रेड कलर के आपको इसमें एलॉय दिए गए हैं। आपको इसकी साइज़ बताया तो मैं आपको इसमें मिलता है 100x80 और 12 इंच के एलॉय आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है। तो एक बार देख लो भाई फ्रंट से लुक, ऐसा कुछ लुक आ रहा है स्कूटर का। तो आप चलते हैं इस साइड से देखोगे तो ये पीछे ग्राफिक काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं ब्लैक कलर में एंड सिल्वर में। ये ब्लैक मैट में, यहाँ पे मैट में ही सिल्वर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। पीछे आपको क्रोम में इंटीरियर 125 की बैचिंग देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे रेसिंग XP लिखा गया है ग्राफिक में, काफ़ी सही लग रहा है। ये ऐसे कुछ आपको स्पोर्टी फुटपैक देखने को मिलता है भाई। तो भाई स्कूटी में कहाँ स्पोर्टी फुटपैक मिलता है आजकल, तो आपको इंटोर में मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो देखो एज भी काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं स्कूटर में। एंड यहाँ पे आपको स्टैंड मिल जाता है, स्टैंड दे सकते हो, और डबल स्टैंड भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी सही है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते भाई, तो आपको 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। तो वैसे स्कूटी के हिसाब से भाई ठीक है, 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको मिल जाती है। या आपका साइड में जो वुमन बैठेगी उसके लिए, पैर के लिए, ये शायद मेरे हिसाब से एसेसरीज होगी या पहले से लगी लगा यार, वो इतना मेरे को अभी पता नहीं है। अब इसके इंजन की बात कर लेते हैं, आपको इसमें मिलता है 124cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड रेस ट्यून्ड FI इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है भाई, काफ़ी सही है। FI मिलता है आपको इसमें। और पावर भाई, ये फर्स्ट इन सेगमेंट है, पावर आपको इसमें मिलता है 10.2 BHP। एंड टॉर्क आपको इसमें मिल जाती है 10.8 Nm। तो भाई ये पहली स्कूटी है जिसमें आपको 10 BHP से ऊपर मिल रही है इसमें पावर, क्योंकि और स्कूटी 125 में आती है उसमें 9 के करीब रहती है। और इसका जो पहले वाला मॉडल था उसमें भी आपको 9.35 BHP देखने को मिल जाती थी, तो भाई काफ़ी सही है भाई। एंड इंजन भी काफ़ी पावरफुल आपको इसमें मिल जाता है स्कूटर के अंदर। पीछे की लाइट देख लो भाई, ऐसे कुछ आपको लाइट देखने को मिलती है। ये DRLs राइट है बैक लाइट, तो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। यहाँ पे TVS की बैचिंग मिलती है, इंडिकेटर आपको हेलोजन ही मिलते हैं, LED इंडिकेटर आपको यहाँ पे नहीं मिलते। यहाँ पे कुछ वेंट्स दिए गए हैं पर ये फेक है। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर का टच भी दिया गया है, देख सकते हो। यहाँ पे आपने की लगाओगे तो अगर आप लेफ्ट में करते हो तो आपकी फ्यूल लीटर खुल जाती है, अगर आप राइट में करोगे तो आपका ये जो सीट है ये खुल जाती है, ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी एक बढ़िया स्पेस देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको LED लाइट भी देखने को मिलेगी, पहले हेलोजन आती थी मेरे हिसाब से पर अब LED कर दी गई, काफ़ी सही है, काफ़ी स्पेस है भाई। एंड यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। एंड ये जो आप OBC लिखा हुआ देख रहे हो इस पर, OBD लिखा हुआ देख रहे हो इस पर, यहाँ से इसको प्रोग्राम करते हैं, मतलब कुछ दिक्कत आ जाए तो पता चल जाती है, तो काफ़ी सही है भाई। और सीट भी
काफ़ी चौड़ी है भाई, काफ़ी कंफर्टेबल मेरे को देखने में लग रही है। और बैठ के भी देखा मैंने इस पर, काफ़ी कंफर्टेबल फ्रंट और बैक की। यहाँ पे भी देखोगे आज इसकी सीटें, यहाँ पे देखो कार्बन फाइबर का टच दिएगा भाई, फुल स्पोर्टी टच दिया गया है स्कूटर में। एंड यहाँ पे इंटीरियर की बैचिंग देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं। फ्यूल कैपेसिटी की बात करूँ आपको इसमें 5.8 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको भाई सिटी में आराम से 40 से 45 की एवरेज प्रोवाइड कर देगी। अगर आप लॉन्ग जाओगे तो 50 भी दे सकते हैं अगर आप आराम से चलाओगे तो, काफ़ी सही एवरेज आपको इसमें देखने को मिल जाती है। पीछे का एलॉय दिखा देता हूँ आपको मैं, पीछे कुछ ऐसे एलॉय वही सेम रेड कलर के एलॉय देखने को मिलते हैं। पीछे का टायर साइज थोड़ा बड़ा है, 110x80 12 इंच के एलॉय के आपको इसमें टायर मिलते हैं पीछे, तो सही है भाई, काफ़ी बड़ा आपको पीछे टायर मिल जाता है, फ्रंट से काफ़ी बढ़िया लगा। और TVS की टायर दिए गए हैं इसमें, क्योंकि TVS भी अपने टायर बनवाते हैं। तो ये देख सकते हो आपको इसमें कोइल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं पीछे के साइड, काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन है। और फ्रंट में आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, देख सकते हो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, काफ़ी बढ़िया काम करते हैं ये भी। तो भाई ऐसी कुछ ये स्कूटी है, आपको मैंने बाहर का सब कुछ बता दिया। आप चलते हैं इसके मीटर की तरफ, तो मीटर देख सकते हो भाई ऐसा कुछ मीटर है। मैं एक बार स्कूटी पर बैठ जाता हूँ, की लगाता हूँ, तो भाई देखो ऐसे कुछ ऑन होता है इसका मीटर, भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ पे देख सकते हो TVS का लोगो देखने को मिल जाता है, इंटीरियर की बैचिंग, यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो मोड्स और सेट को। एंड ये देखोगे यहाँ पे आपको इको और पावर मोड दिखा रहा है, ये आपका हाई बीम लो बीम इंडिकेटर वगैरह और फ्यूल इंजन माउंट फंक्शन सब कुछ आपको इसके अंदर दिखाया जाता है। और इसमें काफ़ी बढ़िया मोड दिए गए हैं भाई, रेस एंड स्ट्रीट मोड आपको इसके अंदर दिया गया है, काफ़ी सही है। देखो अभी मैं इसको करता हूँ तो राइड, इसमें आपको बेस्ट लैप भी बताएगा भाई, लैप टाइम भी कर सकते हो आप इसमें। ये आ गया आपका स्ट्रीट मोड और ये आ गया आपका रेस मोड। तो रेस और स्ट्रीट में क्या डिफरेंस है वो आपको मैं बता देता हूँ। रेस है वो आपको मतलब भाई थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, मतलब अच्छी तरह वो जो स्कूटर है वो अपनी टॉप स्पीड अचीव कर पाएगा। एंड जो अपना स्ट्रीट है उसमें आपको मतलब एवरेज थोड़ी बढ़िया मिलेगी, फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बढ़िया मिलेगी, क्योंकि स्ट्रीट मोड है भाई, तो इसलिए आप सिटी में चलाओगे तो एवरेज तो भाई बढ़िया होनी चाहिए, तो इसलिए आप स्ट्रीट मोड पे लगा के इसको चलाओगे तो आपको फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी मिल जाएगी। और अब ये भी कर दिया भाई TVS ने, एप्पल फ़ोन आते थे जो उनमें कनेक्ट नहीं हो पाता था, तो अब एप्पल में भी आपको इसका ऐप मिल जाएगा, तो आप एप्पल वाले भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। इसमें वॉइस असिस्ट देखने को मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे आपको सेल्फ है, वहीं पे देखो वॉइस असिस्ट का यहाँ पे देगा, तो काफ़ी भाई बढ़िया स्कूटी है, फर्स्ट इन सेगमेंट है ये सब कुछ, तो मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगी। यहाँ पे भी देख सकते हो रेसिंग XP का यहाँ पे लोगो मिल, यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जाती है, ये आपका हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न सुना देता हूँ एक बार मैं आपको, तो हॉर्न भी भाई काफ़ी लाउड है, काफ़ी बढ़िया बाइक की तरह हॉर्न लग रहा है मेरे को इसका। एंड यहाँ पे देखो किल स्विच मिल जाता है भाई स्कूटर, भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे हजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, हजार्ड ऑन करके दिखाया तो आपको मैं, ये देख सकते हो ऐसे कुछ लगती है स्कूटी जब हजार्ड ऑन हो जाता है भाई, ये काफ़ी बढ़िया है। आपको कोई बाहर से वायरिंग नहीं छिड़वानी पड़ेगी, ना ही एक्सटर्नल कोई बटन लगवाना पड़ेगा, काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को ये चीज़। तो ये बंद करते हैं इसको, की को कर देते बंद। यहाँ पे देख सकते हो हैंगर मिल जाते हैं, यहाँ पे अपने प्लोथिन वगैरह यहाँ पे हैंग कर सकते हो, जो भी आप सामान लेके जाना चाहते हो वो यहाँ पे आप हैंग कर सकते हो आराम से। तो ये कुछ भाई ये स्कूटी थी। एंड इसका टोटल कर वेट की बात कर लूँ, 116 kg का आपको इसमें टोटल कर वेट देखने को मिल जाता है। और टॉप स्पीड की बात करें तो आपको यह आराम से भाई 90 से 100 की टॉप स्पीड अचीव करा सकते हैं, अगर कोई लाइट वेट बंदा हो भाई जिसका वेट थोड़ा कम है तो 100 से ऊपर भी मेरे हिसाब से जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से पावर दी गई है उस हिसाब से भाई ये स्कूटी कर सकती है भाई इतना। सो गाइज यही था इसका कुछ आपको ओवर रिव्यू एंड सिनेमैटिक, बताएं आपको कैसे लगे इसके सिनेमैटिक, एंड कलर भी बताएं भाई आपको ये वाला कलर कैसे लगा जो कि अभी लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है और अभी आया भाई शोरूम पे, 1-2 घंटे हुए हैं इसको आए हुए गुड़गांव में। तो आप इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, तो गाइज इसका जो एक शोरूम प्राइस है गुड़गांव में 91,000 का आपको इसका एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है, तो ऑन रोड आपको ये मिल जाएगी 1,10,000 इन गुड़गांव में। तो भाई प्राइस देखा जाए तो भाई स्कूटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, बट अगर ये आपको एक स्पोर्ट्स स्कूटी मिल रही है, इसमें आपको राइडिंग मोड्स मिल रहे हैं, टायर साइज़ बड़ा मिल रहा है, मीटर में इतने सारे फंक्शन आपको इतने देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए भाई प्राइस भी उस हिसाब से ये सही है। देखा जाए तो आपको डियाज मिल रहे हैं इतने बढ़िया, मतलब लुक्स एंड फीचर फुली फीचर आपको इसमें मिल जाती है। तो बताओ भाई आप कमेंट करके आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए भाई, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब भाई, बाय।